इंदौर से कर्नल वर्मा हमारे साथ, स्वागत है आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, आपका सवाल क्या है? दो सवाल है मेरे, बोलिए। एक तो ये है कि एक बच्चा है 9.5 साल का, उसको 9 साल से हाथ पैरों में खुजली चलती है, मतलब 6 महीने का जस्ती चल रही है, दवा खाता है तो उसको आराम हो जाता है, बाकी फिर वापिस चालू जाती है। खुजली? खुजली वर्मा साहब, आदाब। खुजली होती है? आदाब, हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि जो एक बीमारी होती है जिसको लोग कहते हैं कि मिर्गी के दौरे आते हैं, क्या इसका इलाज हो सकता है? ठीक है वर्मा साहब, शुक्रिया। पहले कॉलर आप होते हैं अक्सर, और ये कितनी मुश्किल काम है मैं जानता हूँ कि पहला कॉल मिला देना, क्योंकि हजारों कॉल लोग करते हैं और कितनी मेहनत आप करते होंगे, मैं आपको बड़ी कदर करता हूँ। और इतने बड़े ओहदे पर आप मिलिट्री में फाइज रहे, लेकिन भगवान ने आपको मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया, तो भगवान का भी शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देखिए, मिर्गी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है, वो आप इलाज उन्हें कराइए, साथ में यूनानी की मददगार दवाएं ले सकते हैं, क्योंकि उस दवा से कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, तो आप साथ में यूनानी दवाएं ले सकते हैं, तो उस दवा को इससे और इस दवा को उससे आसानी हो सकती है। जो बच्चा 9 साल का जिसको खुजली है बचपन से, उसके लिए अलसी भून लें, ऐसे 250-250 ग्राम लेके अलसी भूनकर पाउडर बना लें, और आधा चम्मच सुबह एक ये अलसी का पाउडर और आधी चुटकी, यानी बहुत ही कम, जितना भी कम हो सके, ये चुटकी है इसकी भी आधी चुटकी इसमें वो मिलाएंगे खाने का सोडा, और दिन में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दीजिए। बच्चा अगर हफ्ते 2 हफ्ते ये नुस्खा लेगा तो उसकी बचपन की खुजली का भी ठीक होना मुमकिन है। दिल्ली से अगले कॉलर हैं नीतू, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नीतू जी, आदाब। जी मुझे है ना लंग्स की परेशानी है और मुझे एसिडिटी भी है। एसएलई है मुझे। एक तो लंग्स की परेशानी है, सांस में परेशानी है, एसएलई है। ठीक है, एसएलई। और कुछ बता रहे हैं? हाँ जी, नहीं और यही है, मुझे लंग्स की परेशानी है और मुझे लंग्स सुकड़ रहे हैं नीचे से। जी ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए मैडम, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जो आपको आसान है वो खुद बना लें, या दवा का नाम भी बता देता हूँ। देखिए अलसी लीजिए 100 ग्राम। अलसी तो सभी जानती हैं, ख्वातीन महिलाएं सब जानती हैं अलसी क्या होती है। 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम सपिस्तान, 100 ग्राम उन्नाब और 30 ग्राम पीपलें, इन सब को पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, निहार मुँह यानी खाली पेट और रात को सोते समय, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं। और ये आप मेरी बात समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, ये नुस्खा बना लें। अगर नहीं बना सकें तो माजून आर केयर सुबह शाम एक एक चम्मच इसी तरह लेना है गर्म पानी से, और 5 बार गर्म पानी पीना है, और 5-7 महीने लगातार आपको लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े ठीक हो जाएं। दिल्ली से अगले कॉलर हैं आशा, स्वागत है आपका। नमस्ते हकीम साहब जी। मेरे को पहले टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड के बाद मुझे गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई थी, तो गॉल ब्लैडर रिमूव कराया था, उसमें स्टोन थे। आपसे मेरी हकीम साहब से बात हुई थी पहले, तो क्योंकि मैं 20-25 दिन तक एंटीबायोटिक्स खाती रही, तो मैंने पी केयर जो आपके कहने पे मंगवाई थी उस वक्त नहीं खाई थी, अब मैंने शुरू कर दी है। उसके बाद हकीम साहब मेरे को लेफ्ट वाली मेरी आंख पे जो जिसका ऑलरेडी कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका था, रेटिना में वो कहते हैं कुछ सब्सटेंस जम जाता है, उसकी वजह से उन्होंने डायग्नोस किया था CNVM, तो उन्होंने कहा इंजेक्शन लगा है मेरा 8 तारीख को एक आंख पे, अब 1 नवंबर में लगेगा, 1 दिसंबर में लगेगा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, रेटिना में लगता है।
तो मैं हकीम साहब कह रही थी कि इसके लिए भी कोई अपने पास दवाई है, मैं नुस्खे नहीं करना चाहती, कोई दवाई है पी के तो मैं खा रही हूँ, जैतून का सिरका मैं पी रही हूँ और एलोवेरा का सिरका भी मैं ले रही हूँ वेरिकोज वेन्स के लिए, पर इसके लिए आगे ना हो या ठीक हो जाए तो अपने पास कोई मेडिसिन यूनानी में है जो मैं मंगवा सकती हूँ? ठीक है, ठीक है, बहुत समझदार लेडी हैं। और देखिए हमारे आँख के लिए, रेटिना के लिए और दिमाग के लिए दो तीन चीज़ें काम करती हैं, याद रखें, अखरोट और जो लोग मांसाहारी हैं वो उनके लिए फ़िश बहुत अच्छी है, और जो लोग रईस लोग हैं वो अखरोट और अलसी, ये तीन चीज़ें, और सौंफ, और इसमें सब्जियों में समझ लीजिए सौंफ और गाजर, ये बहुत फ़ायदा करती हैं। ये अपने खाने में किसी ना किसी तरह ले लिया करें, और यह एक आती माजून अखरोट प्राश, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो आँख के या दिमाग के ताल्लुक से कोई दवा लेना चाहते हैं। माजून अखरोट प्राश एक टाइम या दो टाइम आप ले सकते हैं पानी के साथ, और इस दौरान आप गर्म पानी पिया करें तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, लखनऊ से नेक्स्ट कॉलर है राजेश, स्वागत है आपका। जी बोलिए। जी सवाल। जी डॉक्टर साहब का नमस्कार, हमारा आदावर साहब, बताइए क्या सवाल है? साहब हमारी एज जो है 40 साल के आसपास है, हमारे जो प्रोस्टेट हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 1.5 से 2 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, हमको बहुत दिक्कत होती है। तकलीफ क्या है आपको ये बताइए? जी हमको पेशाब जाना पड़ता है, बार बार घंटे पर जाना पड़ता है, पेशाब करने के बाद दर्द होता है। अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी आपको ये परेशानी हो गई, इतनी उम्र में वैसे नहीं होती अक्सर, 40 साल बताई ना इन्होंने अपनी उम्र, और ये ठीक भी हो सकती है। बड़ा आसान नुस्खा है, आप बना लें और इस्तेमाल करें, अलसी लीजिए 200 ग्राम, और इसबगोल की भूसी 200 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, इसबगोल की भूसी 200 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम और एक आता है सफ़ेद गौन मोरिंगा, ये भी 100 ग्राम 150 ग्राम ले लें और इसमें मिलाकर पाउडर बना लें, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें, तो देखिए ये जल्दी ठीक हो जाना चाहिए आपका, लेकिन काफ़ी दिन तक लें, इसलिए मैं 100-200 ग्राम बता रहा हूँ कि ये मकदार आपके लिए इतनी होगी कि जब ये ख़त्म होगा तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी यूपी से अगले कॉलर हैं मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, मुझे जी। अच्छा मिथिलेश जी सुनिए, आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बात कीजिए। हाँ मैं लखनऊ से बोल रही हूँ मिथिलेश मिश्रा। हाँ मैं अपने फोन किया अपने घुटनों के लिए खा रही थी तो मुझे बहुत आराम है, कौन सी ऐसे ये पूछना चाहती हूँ क्या मैं इसके साथ पी सकती हूँ के लिए? जी कितनी उम्र है आपकी मिथिलेश जी? बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, आपने हम लोगों पर बड़ा करम किया कि आपने इसका फीडबैक दिया, और हमारे नई ताकत नई तवानाई आ जाती है हमारे अंदर जब कोई हमें ये बताता है कि
हमारे बताए हुए मशवरे से उनको फ़ायदा हुआ। हम आपकी बड़ी बड़ा सम्मान बड़ी इज्जत करते हैं और आप जैसी बुज़ुर्ग खातून की जिम्मेदारी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने हमें फीडबैक दिया। और हाँ, आप गौंसिया से आपको फ़ायदा हुआ। मैं सबसे कहता हूँ क्योंकि गौंसिया एक ऐसा गोंद है जो अगर आपको असली मिल गया, आपको असली मिल गया तो फ़ायदा हो गया, नकली मिलता तो एक कुंटल भी खा लें तो कुछ फ़ायदा नहीं। ये कड़वा बहुत है, मानता हूँ, ये आपको फ़ायदा करता है 5-7 दिन 10 दिन बाद, ये भी मानता हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल है। जिनको भी असली की ज़रूरत हो वो इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको पता नहीं हमारे अंदर कितनी तवानाई, कितना वलवला, कितनी ताकत आ जाती है। और आप ये जैतून का सिरका ले सकते हैं, रोज़ाना एक बार लिया करें 3 चम्मच पानी में मिलाकर। और मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा हमेशा खुश रहें। आपने मुझे दुआ दी है, मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ आपकी सेहत के लिए। जी, अगले कॉलर हैं मीना प्रेमनगर से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। अकील साहब को भी नमस्कार। आदाब। अकील साहब, मेरा 2-3 सवाल है। एक तो पहला सवाल तो ये है कि मैं आपको बहुत आभारी हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपको भला करे भगवान। मेरे को बहुत आराम है दर्द में। आपने कहा था कि 6 दिन और लीजिए, इससे कुछ आराम आएगा। मैं गोंसिया ले रही हूँ, उससे काफी आराम है, इतना आराम है कि मैं सुबह से बहुत विचलित हो रही थी कि मैं किस तरीके से आपको कहूँ कि मुझे आराम है, आराम है। मैं उनको मिठाई नहीं खिला सकती, बहुत दूर हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। भगवान आपकी लंबी उम्र करे, मालिक आपको खुश रखे, सबकी सेवा करते हो आप। क्या बढ़ गया था आपका दर्द मैम? हाँ जी, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया था, मैं बड़ी परेशान थी, रात को नहीं सोती थी, उंगलियों से नीचे आ गया था ना, तो आपने बोला 6 दिन और कोशिश करो, इसको खाओ तो आराम आएगा। लेकिन अभी इतना आराम आ गया कि मैं चल फिर के ना बहुत, आज इतनी दुआ दे रही थी, मैंने कहा भगवान मालिक उनका भला करे, एक बहुत अच्छे चिराग हो आप, आपको हमेशा ऐसे। बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत धन्यवाद। और सवाल कर लीजिए, फोन नहीं कट जाए फिर मैं बोलूंगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। एक मेरे को ना डॉक्टर साहब, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मेरे तालुए में से सर की में आग निकलती है, उसमें ठंडा पानी रखूं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और एक मेरे को पेशाब में जलन होती है, जिसमें मैं सिरका भी ले रही हूँ और गोंद मोरिंगा भी ले रही हूँ और गोंद सिया भी ले रही हूँ सर, तो इसके लिए मुझे कुछ आप बताइए। बाकी दर्द में बहुत आराम है मालिक आपकी लंबी उम्र। हाँ देखिए, बहुत खुशी हो गई, लगातार 2 फोन आ गए और वो भी ऐसे प्रेमियों के जो मेरी बात भी मानते हैं। दरअसल आपका दर्द बढ़ गया था और आप बहुत परेशान हो रही थी, शिकायत कर रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि आप 6 दिन रुकिए, 6 दिन बाद अपना आप कम होने लगा। देखिए, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन जब अनुभव भगवान देता है तो फिर आदमी बात करने लायक हो जाता है। तो मेरा तजुर्बा होता है कि हफ्ता भर 6 दिन ये दर्द बढ़ता है, फिर कम होने लगता है। तो आज पहले आपका नाराज़गी का फ़ोन था, आपके आपकी दुआओं से भरा हुआ है और मैं भी आपके लिए इतनी दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हमेशा खुश रहें। और जो दवाएं हैं वो आप लीजिए और यही काफ़ी होंगी। अब 15 दिन बाद आपको ये दर्द ख़त्म होगा, जो सर में आग सी निकलती है, तालवे में आग सी निकलती है। मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो करें और ये दवाएं लेती रहें। देखिए, ऐसे सीधा बैठें, वैसे आपने देखी होगी मेरी ये एक्सरसाइज, और ये कान इससे मिलाने की कोशिश करें। ऐसे रोज़ाना 3-4 मिनट आपको करना है। अच्छा, एक साथ नहीं कर सकते तो एक एक मिनट करके करें, आधा आधा मिनट करके करें, लेकिन 3-4 मिनट रोज़ाना ये एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। और ऐसे पूरे ज़ोर से ये भी 3-4 मिनट पूरे 24 घंटे में इतना करना है। अगर आपने ये किया तो ठीक 15वें दिन आपका ये तकलीफ़ कहाँ गई, आप खुद फ़ोन करके बताएंगे। ये मेरा अनुभव है, मैं दावा नहीं करता, लेकिन अनुभव की बात साझा कर लेनी चाहिए। और थोड़ा सा आप एक काम और करें कि जैसे ये बेड है तो बेड पे ऐसे सीधी लेट जाएं और गर्दन नीचे को लटका लें, ऐसे पैर जिस तरफ रखते हैं ना उस तरफ सर करना है और ऐसे लेट जाएं और लेट ही रहे, बड़ा सुकून मिलेगा
दिमाग में खून जाने लगेगा, ये हिस्सा इतना गर्दन का हिस्सा ही लटका रहे नीचे को, बाकी जिस्म सीधा रहे। ऐसे 4-5 बार रोजाना 5-5 मिनट आप लेटेंगे, सुकून बहुत मिलेगा और दिमाग से खून गुजरने लगेगा। जैसे ही खून गुजरने लगेगा आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकती है। बिल्कुल हकीम साहब, एक और सवाल था, यूरिन में जलन रहती है इनको। यूरिन में जलन रहती है, अभी तक उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। और ये आप जो लेते हैं मोरिंगा का गौन, इसमें एक नींबू का पानी इसके साथ आप पी लिया करिए, आपकी ये तकलीफ़ भी ठीक होना मुमकिन है।